नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 19 बार, ठीक है। इससे पहले 18 क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, देखो हमने मुगल साम्राज्य यहाँ पर पढ़ रहे थे विस्तार से, ठीक है, क्योंकि हमने गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी को अच्छे प्रकार से पढ़ रखा है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं सभी को, है ना, दो तीन दिन से हमने रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार क्या करते हैं सभी को रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हमने क्या किया था, गुलाम वंश, कौन कौन से आते हैं आपकी बुक में, तो गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, गुलाम खिलजी, उसके बाद तुगलक आता है, उसके बाद सैयद आता है, और उसके बाद लोदी आ जाता है, ठीक है। तो इनको पहले देख लेते हैं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक, अंतिम शासक, प्रथम शासक, अंतिम शासक, सभी के फटाफट लिख देते हैं, ठीक है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था भाई, ऐबक था। अंतिम की बात करते हैं तो कौन था, कैकुबाद था, कौन था, कैकुबाद था। तो ध्यान रखना, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक हो जाता है कैकुबाद। गुलाम खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जो हो जाता है वो हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी, कौन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, कौन हो जाता है खिलजी वंश का प्रथम शासक, वह हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। अगर खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक पूछ ले, बीच में कर लो, है ना, प्रसिद्ध शासक पूछ ले, तो प्रसिद्ध शासक हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। प्रसिद्ध पूछ ले तब होगा, ध्यान रखना, प्रसिद्ध पूछ ले तब, प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी। अंतिम शासक हो जाता है नसीरुद्दीन, कौन, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन सुसरो शाह या खुसरो शाह भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन, खुसरो शाह, ठीक है भाई। अब बात करते हैं तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, तुगलक वंश का प्रथम शासक जो हो जाता है वो हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक, कौन, गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। अगर तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो वह हो जाता है नसीरुद्दीन महमूद शाह, कौन, नसीरुद्दीन महमूद शाह हो जाता है, ठीक है। यही बात करते हैं सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सैयद वंश का प्रथम शासक हो जाता है खिरज खां, कौन, खिरज खां। अंतिम शासक हो जाता है तो वह हो जाता है आलम शाह, कौन, आलम शाह। सभी को रिवीज कर, रिवाइजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं सभी के लिए। उसके बाद कहते हैं लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वह हो जाता है बहलोल लोदी, कौन जाता है भाई, बहलोल लोदी हो जाता है, ध्यान रखना, बहलोल लोदी, ठीक है। अगर बात करें कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, या लोदी वंश का यहां पर भी प्रसिद्ध शासक पूछ लेता है, तो लोदी वंश का जो प्रसिद्ध शासक हो जाता है वह हो जाता है, पहला तो बहलोल लोदी था, प्रसिद्ध शासक हो जाता है सिकंदर लोदी, कौन, सिकंदर लोदी जो हो जाता है वह हो जाता है प्रसिद्ध। अगर प्रसिद्ध पूछेगा तो कौन होगा, सिकंदर लोदी। अगर अंतिम पूछ ले कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह हो जाता है इब्राहिम लोदी, कौन, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो हो जाता है वह हो जाता है अंतिम शासक। तो हमने गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी के सारे की सारे देख लिए कि प्रसिद्ध शासक, अंतिम शासक और प्रथम शासक। ध्यान रखना, गुलाम वंश का प्रथम शासक ऐबक, अंतिम शासक कैकुबाद, खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी, अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह। यही बात करते हैं तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद करते हैं सैयद वंश के, सैयद वंश का प्रथम शासक खिरज खां, अंतिम शासक कौन हो जाता है, आलम शाह। अब बात करते हैं लोदी वंश का, लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी, प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब यहां से नींव पड़ जाती है किसकी, गुलाम साम्राज्य की, सॉरी गुलाम नहीं, मुगल वंश की, किसकी, मुगल वंश की। यहां पर क्या पड़ जाती है भाई, नींव पड़ जाती है, ठीक है। अब क्या पड़ गई, मुगल वंश की पड़ेगी यहां से नींव, तो इसको फटाफट लिख लो, अगर लिख रखा है तो कोई बात नहीं, इसको बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो हमने गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी को देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य आ जाता है। अब जैसे ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, किसकी, इब्राहिम लोदी की,
इब्राहिम लोदी की मृत्यु करता है बाबर। कौन? बाबर मृत्यु करता है इब्राहिम लोदी की 1526 में, है ना। 1526 जब आता है तो बाबर मृत्यु कर देता है इब्राहिम लोदी की, और नींव किसकी पड़ती है? मुगल साम्राज्य की। किसकी? मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की भाई नींव पड़ जाती है, ध्यान रखना। मुगल साम्राज्य की क्या पड़ जाती है? नींव पड़ जाती है। जो मुगल साम्राज्य की ट्रिक है वो मैंने आपको बता रखी है, कौन सी? भादसब। क्या करनी है भाई? भादसब याद करना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो हमने बाबर को पढ़ लिया, हुमायूं को पढ़ लिया, अब हम क्या देखेंगे? बीच में एक आता है शासक। इसके हुमायूं के और अकबर के बीच में एक शासक आता है जिसका नाम होता है शेर शाह। कौन? जिसका नाम हो जाता है भाई, हुमायूं और अकबर के बीच में आता है कौन? शेर शाह। ध्यान रखना, जिसका नाम पूरा होता है शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी आता है, जो आता है 1540 से लेकर, कब से लेकर भाई? 1540 से लेकर 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है, 1545 तक। 1540 से लेकर 1545 में मुगल साम्राज्य जो है वो किसके अधीन रहता है? शेर शाह सूरी के अधीन रहता है। किसके? 5 साल तक जो मुगल साम्राज्य होता है वो शेर शाह सूरी के अधीन रहता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारा के सारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी की, क्योंकि हमने बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, अब अगले बीच में कौन आ गए? शेर शाह सूरी। 1540 से लेकर 1545 तक 5 साल का कार्यकाल होता है इनका, तो इसको हम यहां पर देखने वाले हैं, क्योंकि हम कहां तक पहुंच गए हैं भाई? शेर शाह सूरी तक पहुंच गए हैं। तो बस हमने पूरा की पूरी आपकी बुक यहां पर रिवाइज कर ली, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 19 को। शेर शाह की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए, या क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकता है, शेर शाह सूरी के प्रशासन पर प्रकाश डालिए, या क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकता है, शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन एक ही है, यह आपके एग्जाम में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर। आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, जब आपको एग्जाम में लिखना है उत्तर, उसके बाद में एक बॉक्स बनाना है भाई, एक बॉक्स बनाना है, शेर शाह सूरी का बताना है, प्रथम शासक सूरी वंश का प्रथम शासक कौन था? शेर शाह सूरी। अंतिम शासक भी कौन है? शेर शाह सूरी ही है। कौन कौन से युद्ध लड़े? पहला युद्ध हो जाता है 1530-39 में, जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। फिर सेकेंड युद्ध होता है 1540 में, जिसे कहते हैं भाई कन्नौज का युद्ध। किसका? कन्नौज का युद्ध। दोनों किसके बीच होते हैं? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होते हैं। अंतिम शासक लिख दो कौन? शेर शाह सूरी, है ना, क्योंकि शेर शाह सूरी ही था। सूरी वंश का प्रथम शासक, अंतिम शासक दोनों कौन थे भाई? दोनों शेर शाह सूरी ही थे। तो इतना हमने बॉक्स में लिखना है, उसके बाद इसकी थ्योरी को स्टार्ट करना है। तो अब बढ़ते हैं इसकी थ्योरी की ओर। उत्तर, शेर शाह सूरी एक विजेता ही ना था, बल्कि एक योग्य शासक भी था। उसकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसकी उन्नत शासन व्यवस्था थी। 5 साल के शासन काल में, देखो मैंने बता रखा है कितने वर्ष तक शासन काल रहा था, 5 वर्ष तक मुगल साम्राज्य पर शासन किसने किया था भाई? शेर शाह सूरी ने किया था। तो 5 साल के शासन में उसने ना केवल एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य का निर्माण किया, अपितु उसने सुशासन की भी व्यवस्था की। कौन से ने उनकी शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है, शासन में ब्रिटिश सरकार ने भी इतनी बुद्धिमती का परिचय नहीं किया जितना कि जितना उसे पठान शासक से मिला। ये कौन था? शेर शाह सूरी एक पठान शासक था। कौन था? एक पठान शासक था। यह भी आपको याद रखना है, शेर शाह सूरी कौन था? एक पठान शासक हुआ करता था। शेर शाह सूरी की शासन रूपरेखा निम्नलिखित है। अब इसके शासन के बारे में देखते हैं, शासन की रूपरेखा कौन कौन सी हो जाती है। रुकिएगा, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं यहां पर केंद्रीय शासन। इसके शासन की रूपरेखा यहां पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे केंद्रीय शासन की, ठीक है। शेर शाह एक
निरंकुश शासक था, परंतु उसे अपनी प्रजा के हित का सदैव ध्यान रखता था। प्रजा की जो हित थी उसका सदैव क्या करता था, यह ध्यान रखता था। शासन की संपूर्ण शक्तियां उसमें केंद्रित थी। वह प्रधान न्यायाधीश एवं प्रधान सेनापति था। वह स्वयं राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता था। उसका कोई प्रधानमंत्री ना था। वह अपने पदाधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखता था। उसका शासन धर्म प्रभाव अप्रभावित था। उसका जो शासन था वो कैसा था, धर्म अप्रभावित था। वो सब कुछ अपने आप पर ही डिपेंड करता था। स्वयं ही शासन पूरा चलाता था। खुद ही सेनापति था और खुद ही कौन था, शासक था। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी हो जाती है, वो हेडिंग हो जाती है प्रांतीय शासन। कौन सा भाई, प्रांतीय शासन। शेरशाह ने शासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। कितने, 47 सरकारों में बांटा था अपने साम्राज्य को। प्रत्येक सरकार में शिकदार ए शिकदारान, कौन, शिकदार ए शिकदारान और मुंसीफ ए मुंसीफान, कौन, मुंसीफ ए मुंसीफान होता था। ध्यान रखना इसकी सरकार कितनी थी, 47 सरकारों में इसने डिवाइड किया था। और प्रत्येक सरकार में क्या, सिकदार ए सिकदारान और मुंसीफ ए मुंसीफान होता था। प्रथम कार्य परगने में, परगने के सिकदारों के कार्यों को देखभाल करता था तथा सरकार में शांति स्थापित करना था। दूसरे का कार्य परगने में जो होते हैं मुंसीफरों के कार्य की जांच करना और उसके फैसलों के विरुद्ध अपीलें सुनाना था। ये भी आपके हो जाती है, इसका शासनकाल देखने को मिल जाता है। इसके शासनकाल में और भी होती है परगने का शासन। क्या, परगने का शासन देखने को मिलता है। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा हुआ था। परगने के क्रमबद्ध के लिए एक क्या बना रखा था उन्होंने, सिकदार होता था जो परगने हुए थे उनके प्रबंधन के लिए एक क्या बनाया गया, सिकदार होता था। परगने में शामिल व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। जो परगना है उसमें शांति व्यवस्था कौन करेगा, ये सिकदार करेगा। कौन करेगा, सिकदार करेगा। परगने में एक मुंसीफ होता था जो दीवानी एवं माल संबंधी झगड़ों का झगड़ों का जो निर्णय होता था वह कौन करता था, वह करता था मुंसीफ। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक कानून को एक अमील तथा एक कोषाध्यक्ष एवं एक हिंदी तथा फारसी का कौन रहता था, एक क्लर्क रहता था। क्लर्क किस किस का रहता था, ध्यान रखना, कानून को अमील और कोषाध्यक्ष और हिंदी फारसी का क्लर्क रहता था। नेक्स्ट हेडिंग जो जाती है इसके प्रशासन से, स्थानीय शासन। क्या देखने को मिलता है भाई, स्थानीय शासन आपकी एक हेडिंग हो जाती है। ये भी आपको क्या देखने को मिला, इसके शासन में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं, परगना गांवों में बटा था। परगना किसमें, गांवों में बटा था। गांव का प्रबंधन पंचायत करती थी। प्रत्येक गांव में एक पटवारी और एक मुकदमा होता था। प्रत्येक गांव में एक पटवारी और एक मुकदम, सॉरी पटवारी और मुकदम, ठीक है, एक पटवारी हुआ करता था और एक मुकदम होता था। मुकदम गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करता था। वह अवैतनिक कर्मचारी होता था, अवैतनिक, उसे वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। और प्रत्येक गांव में एक चौकीदार भी होता था। क्या होता था, पंचायत में पटवारी मुकदम और चौकीदार हुआ करते थे, ठीक है, ग्राम पंचायत में। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट हेड देखने को मिलती है भूमि का प्रबंध। इसकी शासन में भूमि का प्रबंध भी देखने को मिलता है। शेरशाह ने खेती के योग्य सारी भूमि पर की नाप कराई। जो कृषि योग्य भूमि थी सारी भूमि किसने क्या कराई थी, नाप कराई थी। किसानों से कबूलियत लिखवाई, जो किसान थे उससे क्या लिखवाई थी, कबूलियत लिखवाई, जिसमें भूमि का पूरा लेखा जोखा होता था। उसके बदले में किसानों को पट्टे देकर उसकी भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया। किसानों की उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। शेरशाह किसानों की भलाई का बहुत ध्यान रखता था। 1/3 भाग लिया करता था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, सेना का प्रबंधन। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सेना का प्रबंधन कैसा था, एक हेडिंग हमारी ये हो जाती है। तो बात करते हैं, शेरशाह ने एक विशाल सेना का संगठन किया था। उसकी स्थाई
सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, कितने उसकी स्थायी सेना हुआ करती थी, उसमें 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल वाले और 5,000 हाथी, एक तोपखाना था। क्या था? 5,000 हाथी और एक तोपखाना था। सेना में योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती थी। शेरशाह ने घोड़ों को दाग देने की प्रथा प्रचलित की थी। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा भी एमसीक्यू कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चलाई थी। क्या? घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चलाई थी? तो वह चलाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी। तोपों को दागे, तोपों को किसने दागा था? तो तोप चलाई थी सबसे पहले बाबर ने। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और तोपों को दागा था सबसे पहले, वो दागा था बाबर ने। घोड़ों को दागा था, ठीक है, तो वो किसने दागा था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों से क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू। तो बात करते हैं, प्रथा चलाई, वह सिपाहियों का हुलिया भी लिखवाया करता था। तो यहां पर एक ये हो जाती है हुलिया, है ना, हुलिया भी छाप के चलाई थी, इसने चलाई थी। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट रहता है न्याय व्यवस्था। क्या? न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था थी हुआ करती थी, वो भी देख लेते हैं हेडिंग। शेरशाह न्याय की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कार्य समझता था। वह निष्पक्ष न्याय किया करता था। सरकार में फौजदारी के मुकदमों को फैसला प्रधान, शिकदार और दीवानी के मुकदमों का फैसला प्रधान जो मुंसिब होता था वह करता था, ठीक है। जो फौजदार थे उसके मुकदमों का फैसला कौन करता था? भाई सिकदार करता था। और दीवानी के मुकदमे जो होते थे उनका फैसला कौन करता था? मुंसिब करता था। परगनों में यह कार्य सिकदार तथा मुंसिफ करते थे। जो परगने हुआ करते थे उनमें यह कार्य कौन करते थे? सिकदार और मुंसिफ करते थे। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। इसी कारण इसके साथ में शांति व्यवस्था क्या थी? स्थगित हो गई थी। इसी कारण इसका जो साम्राज्य था, इसका राज्य था, वहां पर शांति की व्यवस्था स्थापित रही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था। कौन सी? पुलिस तथा गुप्तचर विभाग भी इसके शासन में देखने को मिलता है, तो इसको भी देख लेते हैं। साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस का अच्छा प्रबंधन था। पुलिस का कोई अलग विभाग ना था। गांव में मुकदमा अपराधों का पता लगा था। जो गांव में मुकदमा, जो मुकदमा हुआ करता है अपराधों का, क्या करता था भाई? पता लगाता था। कौन? पुलिस, गुप्तचर, अन्यथा उसे दंड भोगना पड़ता था। राज्य भर में स्थान स्थान पर गुप्तचर नियुक्त थे जो मुख्य घटनाओं की सूचना सम्राट को देते थे। जो जगह पे जगह क्या कर रखे थे इसने? गुप्तचर लगा रखे थे जो कि जो मुख्य घटनाएं हुआ करती थी उसका क्या करते थे? ये सम्राट को सूचना उसकी देते थे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलती है यातायात के साधन। तो मतलब शेरशाह सूरी के साम्राज्य में यातायात के साधन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं, शेरशाह ने यातायात की सुविधा तथा व्यापार की उन्नति के लिए सड़कें बनवाई थी और उसकी बनवाई चार सड़कें हो जाती हैं। पहली हो जाती है कलकत्ता से पेशावर। कौन सी? कलकत्ता से पेशावर हो जाती है, ठीक है। और आगरा से कौन सी हो जाती? जोधपुर हो जाती है। ये बहुत पूछता है, कौन सी? कलकत्ता से पेशावर, कलकत्ता से पेशावर, ठीक है। इसका नाम क्या है? ग्रैंड ट्रक रोड। कौन सा है भाई? इसको वर्तमान में ग्रैंड ट्रक रोड। तो ग्रैंड ट्रक रोड जो है वो किसने बनवाई थी भाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसकी चारों सड़कों के नाम आपको याद होने चाहिए। कलकत्ता से पेशावर, पेशावर कहां पड़ता है आपको पता है? पाकिस्तान में, ठीक है। और ये कहां पड़ता है? कलकत्ता, कलकत्ता पड़ता है बंगाल में। तो कलकत्ता से पेशावर ग्रैंड ट्रक रोड है, ये तो आपको पता ही है। आगरा से जोधपुर एक सड़क बनवाई थी और आगरा से बुरहानपुर बनवाई थी, लाहौर से मुल्तान बनवाई थी, ठीक है। तो ये चार सड़कें किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने चारों सड़कों का निर्माण करवाया था। बात करते हैं, शेरशाह एक प्रतिभाशाली शासक था। उसने हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं किया।
स्कूलों और मदरसों की स्थापना करवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, निशुल्क भोजनालयों का भोजनालयों की स्थापना की, अनेक राज्यों पर विजय हासिल की। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है, यहां पर जो हमारी तीसरी हेडिंग है, तीसरी जो यूनिट है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहां पर शेरशाह सूरी के बारे में देखा। शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच दो युद्ध हुए थे, ये आपको याद होने चाहिए, बार बार रिपीट करता रहता हूं मैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बीच दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था चौसा का युद्ध। एक कौन सा हुआ था भाई? एक हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब? 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। किसके बीच? शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं के बीच। दूसरा युद्ध फिर हुआ था 1540 में, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध। जिसे क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध। ये भी किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दो युद्ध हुए थे शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच, और उसके बाद कलिंजर के किले में क्या हुई थी? तोप के फटने से शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा जो 19वां था वो समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।